तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार आप सभी का फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों, आरईशीएटी एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि 16 जुलाई 2023 को एक शिफ्ट का एग्ज़ाम है, जबकि जो सेकेंड शिफ्ट हैं उनका एग्ज़ाम मेरे फ्रेंड जो है आपको 23 जुलाई 2023 को देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप जुड़े हैं आरईशीएटी के सबसे बेहतरीन चैनल संध्या कंप्यूटर के साथ। अब तैयारी होगी आपकी एकदम 90% से ऊपर वाली, यानी कि हर बार की बात है, इस बार भी आपके जो है परसेंटेज बनाने की गारंटी हमारी इस टीम की रहने वाली है। मेरे विद्यार्थी, अभी भी अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है, तो आपको यूं समझना है कि भाई प्रोजेक्टर को आपके सिस्टम के साथ किस किस मीडियम से कनेक्ट किया जा सकता है। तो कंप्यूटर ओनली से किया जाता है, आपके डुप्लीकेट से भी किया जाता है, एक्सटेंड से भी किया जाता है, लेकिन जो आपको नाम दिख रहा है क्या इन्वर्टेड, यहाँ से मेरे फ्रेंड्स आपका नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर ऑप्शन में प्रोजेक्टर ओनली होता तो वो भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाता। यानी कंप्यूटर ओनली के केसेस में केवल और केवल जो स्क्रीन होगी वो कंप्यूटर की काम करेगी, डुप्लीकेट में दोनों की काम करेगी और एक साथ करेगी, एक्सटेंड में क्या होगा कि दोनों की काम तो करेगी लेकिन अलग अलग जो है इमेज आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो आपके प्रोजेक्टर ओनली होते हैं उसमें मेरे फ्रेंड्स क्या है कि अगर आपको केवल और केवल प्रोजेक्टर की स्क्रीन को दिखाना है और कंप्यूटर की स्क्रीन को ब्लैंक रखना है तो इस कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप सभी के लिए क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बोल देता हूँ कि अभी तक आपको लग रहा होगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपके पास में आज से मात्र 15 दिनों का टाइम है, 15 दिन का समय हमें दीजिएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 80 से 90% बनाने की गारंटी आपके इस एजुकेटर की रहने वाली है। मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स को आप प्रिंट से पहले अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ से हैं जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, प्रिंट लेआउट आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प माना जाएगा। यानी कि प्रिंट लेआउट के अंदर जाके आपको प्रिंट प्रीव्यू करना होता है, वहाँ से आपका जो पेज कैसा दिखेगा उसका आप जो है पूर्वावलोकन कर सकते हो। ऑप्शन बी है जो यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। तो मेरे फ्रेंड्स आपकी ये जो प्रोसेस है आपकी बर्निंग कहलाएगी, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी को याद रखना है। अगर सीडी का पूरा नाम पूछे तो कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर डीवीडी का पूछे तो डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों यहाँ से करेक्ट ऑप्शन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, मजबूत पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसमें आपके 8 तो वर्ण होने चाहिए, कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए और संख्याएं भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आकार, भंडारण, प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो मेरे फ्रेंड सही वर्गीकरण में आपका सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो या वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। अगर यही आपको पूछ दे कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आपका करेक्ट माना जाता। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो मेरे फ्रेंड्स सारे के सारे विकल्प जो हैं आपके करेक्ट माने जाएंगे। अगर सीमाएं पूछता तो कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होती, एक तो कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती और कंप्यूटर के अंदर आईक्यू का अभाव होता है और उसके अंदर सोचने की क्षमता नहीं होती, ये तो क्या होती है कंप्यूटर की सीमाएँ होती है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, आप भी क्या करें जल्दी से जल्दी कमेंट देने की कोशिश करें। तो यहां से जो है आपका करेक्ट आंसर कौन सा माना जाएगा, बुद्धि का अभाव, आईक्यू लेवल 0, सोचने की क्षमता, ये सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, है ना। तो यहाँ से जो विंडोज 7 है ये मेरे फ्रेंड्स क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है, जो आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं
जो आपके सिस्टम ऑन होने के बाद में आप जिसमें कोई भी कार्य करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे आगे जब आप हमारे साथ पढ़ोगे तो बहुत सारे डाउट हैं जो आपके सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। मेरे फ्रेंड्स एमसीक्यू की सीरीज है तो आप लगातार बने रहेंगे तो काफ़ी आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है इस जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर फ्रेंड्स कभी अगर आपके सामने सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम ले तो भी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम ले तो भी आपका क्या होगा करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो आपकी यूज़र के द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसकी प्रोसेस के बाद में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को जो स्क्रीन पे दिखाने का काम करे वो मेरे फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। लाइक एज मैं बात करूँ प्लॉटर, यहाँ से आपका क्या होगा बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं कि पेन या पेंसिल से किए गए निशानों को पूर्व निर्धारित पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है तो OMR यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प माना जाएगा। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगर OCR पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, अगर BCR पूछे तो बार कोड रीडर होता है, और अगर MIDI पूछे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। कोई सा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो सभी के लिए आपको तैयार रहना है। आपकी तैयारी काफ़ी इस बार शानदार होने वाली है क्योंकि आप जुड़े हैं आरी शेट्टी के एक बेहतरीन चैनल के साथ में। अगला क्वेश्चन कि रैम का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी शानदार क्वेश्चन और हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि रैम का पूरा नाम क्या है तो आपको बताना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। जो रैम है एक अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है जो आपकी जो है जिसके अंदर डेटा क्या रहता है स्थाई नहीं रहता है, जैसे लाइट जाती है तो डेटा भी क्या हो जाता है मिट जाता है, यानी कि एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं कि डेजीवेल प्रिंटर एक प्रकार है तो डेजीवेल मेरे फ्रेंड्स किसका होगा। देखो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर जो कैरेक्टर प्रिंटर आता है कैरेक्टर में डेजीवेल और डॉट मैट्रिक्स ये दोनों के दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में अगर कैरेक्टर नहीं है तो फिर आप किसके साथ में जाओगे, इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ में आपको जाना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी लोग भी हैं जो क्वेश्चन देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि DPI का पूरा नाम क्या है तो मेरे फ्रेंड्स DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच होता है, और DPI होती क्या है तो प्रिंटर की क्वालिटी होती है। कभी अगर आपसे पूछे कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है तो PPM में मापी जाती है, और PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट होता है। आगे बढ़ते हैं कि GUI का पूरा नाम क्या है। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि GUI का पूरा नाम क्या है तो GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अवधारणा पे काम करने वाला है, जिसमें क्या होता है कि आप जो कुछ भी काम करोगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया जाता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं वो इसमें आ जाते हैं, macOS आ जाता है, लिनक्स आ जाता है ना, ये सारे के सारे आपको नाम याद रखने हैं, एंड्रॉयड एप्पल iOS वगैरह जो कुछ भी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करने की प्रोसेस तो मेरे फ्रेंड्स आपकी बूटिंग कहलाती है, जबकि जो बर्निंग आपको दिख रहा है बर्निंग तो CD और DVD में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है वो क्या कहलाता है तो मेरे फ्रेंड्स डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? डेस्कटॉप एरिया। और जो बॉटम साइड में बार होती है वो टास्क बार कहलाती है। और जब भी आप किसी प्रोग्राम के अंदर काम करते हो, मान के चलो कि MS Word, MS Excel, तो इसमें जिस बार में आपको आपका आपने जो फाइल का टाइटल रखा है ना, यानी जो नाम रखा है वो फाइल का जो नाम जिस बार में आपको दिखता है वो बार मेरे फ्रेंड्स आपकी कौन सी कहलाती है? टाइटल बार कहलाती है। तो इनके बारे में भी आपको पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि बैकग्राउंड में रन होने वाले प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं तो सिस्टम ट्रे आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से एंटीवायरस का एग्जांपल नहीं है।
आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, एंटीवायरस वे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम में हानिकारक फाइलों को पहुंचने से रोकते हैं। तो नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर की, ये सारे क्या होते हैं, एंटीवायरस के एग्जांपल होते हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है नेटस्केप नेविगेटर, मेरे फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर का एग्जांपल होता है। तो ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी की स्क्रीन पे निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं होता है, यानी कि आपसे बेसिकली बात किसकी की गई है, स्टार्ट बटन की बात करी गई है। तो विंडोज विस्टा के अंदर तो स्टार्ट बटन मौजूद था, विंडोज 10 में भी था, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स आपको 8 और 8.1 अगर ऐसा आपके एग्जाम में कोई ऑप्शन देखने को मिलता है तो आपको क्या समझना है कि उसके अंदर स्टार्ट बटन मौजूद नहीं था। आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ में जो स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सारे के सारे विकल्प यहाँ से सही माने जाएंगे, यानी एप्लीकेशन को लॉन्च भी वहाँ से किया जाता है, डिवाइस की सेटिंग भी की जाती है, सिस्टम को बंद भी वहाँ से किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ISP का पूरा नाम क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो ISP होती है वो क्या होती है कि टेलीकॉम कंपनी होती है जो यूज़र को इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका जो पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप सभी की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो सर्च इंजन होते हैं वो कौन कौन से है, गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, सर्च इंजन के एग्जाम्पल होते हैं। तो वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, सारे के सारे विकल्प आपके करेक्ट माने जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, जो सेशन के साथ में लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। आप जुड़े हैं RECET के एक बेहतरीन चैनल के साथ में। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 16 तारीख और 23 तारीख के दिन बैठने वाले हर एक स्टूडेंट के पास में ये वीडियो होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि भाई RECET का जो एग्ज़ाम आपके 16 तारीख को होने वाला है, संध्या कंप्यूटर के द्वारा क्लासेस को यथावत रूप से शुरू कर दिया गया है। निम्न में से एक सर्च इंजन का उदाहरण है, तो अभी मैंने बोला गूगल, याहू और बिंग, ऐसे अगर आपको एग्जांपल दिखते हैं तो मेरे फ्रेंड्स आपके किस में गिने जाएंगे, सर्च इंजन में गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो रुपए जो है आपका डेबिट कार्ड है, एक घरेलू डेबिट कार्ड होता है, इसको NPCI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो है आपका ATM और POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पे संचालित भी होता है। तो ऑप्शन जो है डी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो समय की बचत वहाँ से होती है, लागत में भी बचत होती है, खाते की सुरक्षा भी होती है, लेकिन उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये मेरे फ्रेंड्स जस्ट आपको क्या है, एक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि ये उसका एडवांटेज है कि भाई आपको उनकी ओर से इंटरनेट मिल रहा है। अगर ऐसा होता कि जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो इंटरनेट आपको अगर मुफ्त में मिलता तो अपन लाभ बोलते, अदरवाइज तो केवल और केवल क्या है, एक रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। तो राजस्थान सरकार ने जिस साइट को चलाया गया है वो कौन सी है, ई बाजार, यहां से ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपका फ्लिपकार्ट भी है, स्नैपडील भी है, जबोंग भी है, लेकिन जो आपको दिख रहा है क्या, ट्विटर। ट्विटर क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल होता है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट किस प्रकार का लेन देन होता है। तो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगर आपसे कभी पूछे C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, और अगर आपके B2C पूछे तो बिजनेस टू कंज्यूमर।
किसी भी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, आप हमसे रेगुलर जुड़े रहना। मेरे फ्रेंड्स दावे के साथ कहता हूँ कि इस 15 दिनों में आपके 80-90% बनाने की गारंटी आपके इस संध्या टीम की रहने वाली है। तो आप जो है ईमानदारी के साथ में अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन की क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म होते हैं तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, सारे के सारे करेक्ट हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम क्या है, तो सास का जो पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना, क्या होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है को ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान संपर्क का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए, देखो अगर आपसे कभी पूछे कि बाईं तरफ से तो आपको किसके साथ में जाना है, बैक स्पेस के साथ में ऐसे कनेक्ट कर देना कि बाईं में भी आपको बी दिख रहा है, कहीं ना कहीं टोनिंग किसकी आ रही है, बी की आ रही है, और बैक स्पेस में भी किसकी आ रही है, बी की आ रही है। अगर यहाँ से आपको पूछता है कि दाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए तो दाईं में आपको कहीं ना कहीं टोन किसकी आ रही है, डी की आ रही है, और जो डिलीट में भी क्या है आपको डी दिखता है, तो इस टाइप से आपको कनेक्ट करना है कि अगर बाईं तरफ से पूछे तो बैक स्पेस, अगर दाईं तरफ से पूछे तो डिलीट। आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती हैं, तो सेव ही कहलाती हैं। लेकिन अगर यूँ पूछता कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो है जो पहले से आपके सिस्टम में सेव है, अगर आप जो हैं उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करके वापस सेव करते हो तो वो प्रोसेस आपकी कौन सी होती है, सेव एज होती है, और सेव एज की शॉर्टकट F12 होती है, जबकि सेव की जो शॉर्टकट है Ctrl+S होती है। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे आई, होप आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर क्लास को पसंद किया है और सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन कि खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के साथ में जोड़ सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स हाइपरलिंक आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प होगा। हाइपरलिंक का शॉर्टकट Ctrl+K होता है, तो आपको इतनी सी जानकारी होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार हमसे जुड़ने के लिए जो है आप जो इस चैनल के ऊपर आज से जो भी क्लासेस आने वाली है उन सभी क्लासेस को आपको फॉलो करना है, ताकि आप भी हैं अपने आप को RECET एग्जाम में सिक्योर महसूस कर पाए, और 16 और 23 तारीख के दिन जो है एग्जाम में बिल्कुल यही के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।